COVID-19 इन्फेक्शन एंड चिल्ड्रन विद टाइप 1 डायबिटीज। बच्चे, युवा और या फिर बुढ़ापे के लोग अगर ध्यान रखा जाए और डायबिटीज ठीक से मैनेज किया जाए तो COVID-19 के इस वक्त में बीमार होना टाल सकते हैं। अगर कोरोना से संक्रमण हुआ और डायबिटीज भी ठीक से मैनेज नहीं किया तो यह मरीज बहुत बीमार हो सकते हैं। छोटे बच्चों को कोरोना इन्फेक्शन से कैसे बचा सकते हैं? नंबर 1, बार बार हाथ 40 सेकंड तक धोए और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का उपयोग करें। 2, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। 3, मास्क पहनना न भूले। 4, जितना हो सके बाहर जाना टालिए। 5, चेहरा मुंह आंखों को हाथ ना लगाए। 6, घर में मौजूद हर फर्नीचर हर सतह साफ रखे। 7, खाना पीना बर्तन टॉवल ऐसी चीजें एक दूसरे में उपयोग न करें, हर किसी के लिए अलग अलग रखें। 8, खांसते या छींकते वक्त टिश्यू का या फिर हाथ की कोनी का उपयोग करें। अगर टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों में वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो वे बहुत बीमार हो सकते हैं और डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस भी बन सकते हैं, जैसे कि DKA मतलब डायबिटिक कीटोएसिड्स। अगर बच्चों को कोविड संक्रमण हो रहा है तो उनका ध्यान कैसे रखें? नंबर 1, गर्म पानी पिए। 2, ब्लड शुगर लेवल पे ध्यान रखें और अच्छे से मेंटेन करें। 3, इंसुलिन का डोज देना बंद न करें, अगर बुखार हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। 4, शरीर में पानी कितना जा रहा है उस पे ध्यान रखें, पानी और नमक का बैलेंस बनाए रखें। 5, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल पे ध्यान रखें। बच्चे को नीचे दिए गए कुछ लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें और अर्जेंट जांच कराए। नंबर 1, बुखार उल्टी वजन कम होना। 2, सांस में बदबू या फिर कैटोन्स का खून या पेशाब में ज्यादा हो जाना। 3, पेट में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत, कंफ्यूजन होना, ज्यादा थकान होना। यह वक्त सबके लिए मुश्किल है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य रखना, रोजाना शारीरिक व्यायाम, उचित खाना, अपने आप को खुश रखना, अपनी पसंदीदा चीजें जैसे कि किताबें पढ़ना, सीरीज देखना, सिनेमा देखना जिससे दिल खुश रहे, यह बहुत जरूरी है।